हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी केरला में फ्लड्स हैं जिसकी वजह से काफी नुकसान हो चुका है, काफी जाने जा चुकी हैं, लोगों को इधर से उधर मूव करना पड़ रहा है। पर मेरी तरह आप लोग भी अपने घर में बैठ के ये सोचते होंगे कि हम उनकी मदद कैसे करें, हम उनसे दूर हैं तो हम उनकी मदद कैसे कर पाएंगे, और दुआ के सिवा और कुछ कर नहीं सकते। बस दोस्तों, ऐसा नहीं है। और जैसा कि आप लोग अभी न्यूज़ में देख रहे होंगे कि एनडीआरएफ की टीम, डिफेंस की टीम, काफी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ सब उनकी मदद कर रहे हैं, तो ये वीडियो मैं इस टॉपिक पे लेके आया हूँ कि आप लोग किन किन वेज से केरला में फंसे लोगों की हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा चलते हैं पहले टॉपिक पे। पहला टॉपिक है पेटीएम। आप पेटीएम ऐप को डाउनलोड करें, पेटीएम ऐप में आप रजिस्टर करें, लॉगिन करें। जैसे ही आप उस ऐप को ओपन करेंगे, आपको केरला फ्लड्स लिख के स्क्रीन में आ जाएगा। उसका एग्जाम्पल भी आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो जैसे आप केरला फ्लड्स पे क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली देख सकते हैं, ऑप्शन खुल जाएगा जिसमें आपको ऑन बिहाफ ऑफ अपना नाम डाल सकते हैं, और वहां पे कितना अमाउंट आप सेंड करना चाहते हैं उस अमाउंट को डाल दीजिए। नाम डालना वहां पे काफी कंपलसरी है ताकि पता चले कि किसने भेजा था, ये किस बिहाफ पे है ये। तो आप डायरेक्टली वहां से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपको रिसिप्ट आ जाएगा पेटीएम में भी और आपके मेल में भी। तो दोस्तों, दूसरा तरीका जो है वो है अमेजोन के थ्रू। आप अमेजोन में लॉगिन करिए, वहां भी आपको मिल जाएगा ऑप्शन। स्क्रीन को थोड़ा स्क्रॉल करिए, नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा जिससे आप केरला फ्लड में फंसे हुए लोगों की हेल्प कर सकते हैं। काफी एनजीओ जैसा कि वहां पे काम कर रहे हैं, मैंने आपको बताया, तो आप उनके थ्रू वहां फंसे लोगों की हेल्प कर सकते हैं। एनजीओ जो है वहां पे, उनको अमेजोन सप्लाई देगा और उन सप्लाई से वो लोगों की मदद कर पाएंगे। और अगर आप इन सब चीजों में कंफर्टेबल नहीं हैं, तो आप अपने नियरेस्ट किसी बैंक जा सकते हैं। मैं आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, साथ साथ एक क्लिप भी इसमें लगा दूंगा जिसमें अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड डिटेल्स रहेंगी। आप वो डिटेल भर करके अपने नियरेस्ट किसी बैंक से जा करके पेमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आप 100, 200, 300, 500 की पेमेंट करें। किसी की मदद करने के लिए 5 रुपए भी काफी है। इंडिया जैसी पॉपुलेशन में अगर इंसान 5 रुपए, 2 रुपए भी डोनेट करता है, तो ये बहुत बड़ी रिलीफ फंड बन सकती है। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जैसा भी आपके पास पॉसिबल वे हो, जितनी भी मदद आप कर सकते हैं, 5 रुपए, 10 रुपए या उससे ज्यादा, तो जरूर करें। अगर आप नियर बाई इलाकों में हैं और वहां पहुंच सकते हैं, वैसे मदद करना चाहते हैं, तो वो भी ठीक है। नहीं तो आप किसी और वेज के थ्रू, जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो वहां पे काम कर रही हैं, उनको तो एटलीस्ट सपोर्ट कर ही सकते हैं। पेमेंट कैसे करना है, या अगर इस प्रोसेस में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है या आप कोई हेल्प चाहते हैं, तो मैं नीचे टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ। आप वहां से मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, मुझसे जो हेल्प हो सकती है मैं आपके वहां पे हेल्प कर दूंगा। नहीं तो आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं आपको जो हेल्प बन पड़ेगी वहां पे हेल्प करूंगा। अगर कोई ट्रेन केरला से चल रही है या कोई सर्विसेज केरला के लिए पहुंचने वाली हैं, वो सारी डिटेल भी मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो के अपडेट करता जाऊंगा। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में भी अपडेट करता जाऊंगा। कोई रीसेंट ट्रेन चलती है, कोई बस सर्विस होती है, या कोई न्यू नंबर्स लॉन्च होते हैं जिनसे आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, वो नंबर लोगों तक पहुंचाए जा सकते हैं, तो वो चीजें मैं अपने सोशल हैंडल्स में अपलोड करता रहूंगा, तो आप मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हैं। तो आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को केवल देख करके इग्नोर ना करें। आप इन्हें अपने ऑफिस फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, दोस्तों से, फैमिली में, जहां जहां शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर करिए। इससे किसी न किसी की हेल्प हो सकती है। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हम जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद।